आज के इस वीडियो में बताएंगे अगर आप सी एस सी वीएलई हैं तो आप किस तरह आवासीय आय जाति अपनी सी एस सी आईडी के माध्यम से बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आवासीय हो या आय या जाति या AWS या किसी भी प्रकार का ऑनलाइन सर्टिफिकेट हो जो RTPS के द्वारा जारी किया जाता है, वो सर्टिफिकेट आप अपने सी एस सी के माध्यम से बना सकते हैं। कैसे, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको serviceonline.bihar.gov.in की वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसके लिए लॉगिन बटन पर क्लिक आने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन के लिए आगे बटन पर क्लिक करें। जैसे आप लॉगिन के लिए आगे बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा लॉगिन विथ सीएससी कनेक्ट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। आपको सीएससी आईडी के थ्रू लॉगिन कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीएससी आईडी देंगे और सीएससी का पासवर्ड देंगे, इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे, उसके बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो लॉगिन हो चुका है, देखिए देख सकते हैं यहाँ पर सीएससी बीएलई का नाम भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रोल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉक ऑपरेटर और आपका सीएससी आईडी, यानी कि आपकी सीएससी आईडी से लॉगिन, मेरे सीएससी आईडी से लॉगिन है और कि सॉक ऑपरेटर यहाँ पे इनका नाम दिया गया है वीएलई का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दो ही ऑप्शन रहेंगे, अगर आप नॉर्मल आईडी ओपन करेंगे तो उसमें दो तीन चार ऑप्शन रहते हैं, फीडबैक वगैरह भी रहते हैं, लेकिन सीएससी वीएलई में सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक अप्लाई का ऑप्शन है, एक स्टेटस चेक का। तो अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करेंगे, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सर्विस शो कर देंगे। यहाँ पे सभी सर्विस नहीं शो करेंगे, यहाँ पे कुछ ही सर्विस शो करते हैं जो कि वीएलई के लिए दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे 50 सर्विस ही दिया गया है जो वीएलई यूज कर सकता है, जिसमें देख सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, बीसी ईबीसी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट वगैरह बना सकते हैं। जैसे कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनाएंगे तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट एट आर ओ लेवल पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप सी ओ लेवल से बना हुआ आर ओ लेवल से एच डी ओ लेवल वगैरह से बनाना चाहते हैं तो सी ओ लेवल का आर ओ लेवल का एप्लीकेशन नंबर देंगे, रेफरेंस नंबर, नेम देंगे, गेट डाटा पर क्लिक करेंगे, सारे नेम फिलअप आ जाएंगे। अगर आप आर ओ लेवल से बना रहे हैं फर्स्ट टाइम तो ये आपको फिलअप करना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ अभिवादन में आप कोई अभिवादन नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर अपने नाम के आगे सीरी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ अपना फुल नेम देंगे अंग्रेज़ी में, जो भी आपका फुल नेम होगा वो यहाँ पे अंग्रेजी में डालेंगे, स्पेस डालेंगे तो हिंदी में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह फादर्स का नाम अंग्रेजी में देंगे, स्पेस डालेंगे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह मदर का अंग्रेजी में नाम डालेंगे, स्पेस देंगे इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हिंदी सही नहीं आ रहा तो आप गूगल इनपुट टूल की हेल्प ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर मैरिज हो चुका है तो उसके हस्बैंड का नाम देंगे, अगर नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको छोटा सा अपना स्टेट, उसका अपना डिस्ट्रिक्ट, अनुमंडल यानी पूरा एड्रेस आपको सेलेक्ट करना हो, ग्राम पंचायत, वार्ड नंबर, उसके बाद अपना पंचायत सेलेक्ट करेंगे, पंचायत का नाम, डाकघर, उसके बाद पुलिस स्टेशन जो भी वो देंगे और एरिया पिन कोड देंगे। उसके बाद चाहे तो आप यहाँ से कैमरा से भी फ़ोटो ले सकते हैं। ये सी एस सी वीएलई में सिर्फ ऑप्शन दिया गया है, ये नॉर्मल आई डी में नहीं दिया गया है, चाहे या आप फोटो अपलोड यहाँ से कर सकते हो इस फाइल पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे तो आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा, ओटीपी डालकर जो आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल उस पर ओटीपी जाएगा। अगर रजिस्टर नहीं है मोबाइल नंबर तो इसको बॉक्स को खाली छोड़ेंगे। यहाँ पर निवास का प्रकार अस्थाई डालेंगे, किस लिए बना रहे वो डालेंगे। यहाँ पर शपथ पत्र को टिक मार्क लगाएंगे, उसके बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे, उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कह रहा फोटो अपलोड करेंगे, उसको अभी प्रमाणित होना चाहिए, यानी कि फोटो पर सिग्नेचर होना चाहिए, फोटो पर सिग्नेचर करके वो फोटो अपलोड करेंगे, ओके करेंगे। उसका जो डिटेल आपने फिलअप किया वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करना हो, डॉक्यूमेंट अटैच पे क्लिक करेंगे और ठीक उसी प्रकार आपको एक डॉक्यूमेंट अटैच कर लेना है। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड वगैरह अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे दिया गया बड़ा हुआ आवेदन पत्र सभी अनुसंगलन के साथ, यानी कि आधार कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड के साथ आपको एक फॉर्म भी अपलोड करना होगा फिलअप करके। वो फॉर्म कहाँ से मिलेगा, जो भी मार्केट में आवासीय आय वाला फॉर्म होता है वो फॉर्म को फिलअप करके उसमें उसके साथ आपको आधार कार्ड लगा के उसका PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर देना होगा, ठीक है। उसका सेव बटन पे क्लिक करेंगे,
डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे, आपका ये सबमिट हो जाएगा, आपको एक रसीद मिल जाएगा। फिर रसीद पर आपको एक डेट मिलेगा, उस डेट को आप या उस डेट को या उस डेट से पहले आप यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए व्यू स्टेटस एप्लीकेशन क्लिक करेंगे, टेक एप्लीकेशन स्टेटस क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर से आप चेक करना चाहते हैं या ओटीपी के माध्यम से चेक करना चाहते हैं। ओटीपी के माध्यम से करना चाहते तो ओटीपी सेलेक्ट करेंगे, किस चीज़ का आप स्टेटस चेक करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कैप्चर डालेंगे। अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर तो उसके द्वारा आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इस तरह ओटीपी के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्चर डाल के सबमिट करेंगे तो आप उस तरह अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, आप वहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे आज की इस वीडियो में आपने सीखा CSE VLE किस तरह अप्लाई कर सकते हैं।